हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, अब जो है मैं बताने वाला हूं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कि 2021 के अंदर, यानी कि आने वाले समय के अंदर जो है अगले साल आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो क्यों स्टार्ट करनी जरूरी है और इसमें जो है क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, आने वाला फ्यूचर जो है हमारा एफिलिएट मार्केटिंग के लिए क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, कैसा रहने वाला है, क्या हम उससे अर्निंग कर पाएंगे, तो ये सारी डिटेल जो है मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा गाइज। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो गाइज, अगर जो है आप लोग यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो एक रिक्वेस्ट कि आप लोग जो है जल्दी से नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल का आइकन जरूर दबा दे, क्योंकि इस साल आने वाले समय के अंदर जो है बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आपको मिलने वाली हैं डिजिटल मार्केटिंग को लेके, एफिलिएट मार्केटिंग को लेके इस चैनल के ऊपर, सो दैट कि आप जो है पैसिव इनकम जो है अपनी बहुत ही अमेजिंग कर पाए। सो गाइज, सबसे पहले तो बात करते हैं कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअली कहते किसको है, ये क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीके में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एफिलिएट मार्केटिंग यानी कि कमीशन बेस काम कर रहा, यानी कि अगर आप LIC एजेंट हैं तो हम क्या करते हैं कि LIC एजेंट जो भी LIC करता है तो उसको उसका एक फिक्स जो भी उसका शेयर होता है, जो कमीशन होता है, वो उसको दे दिया जाता है जितनी भी वो पॉलिसीज करता है, राइट। सो इसी तरह से एफिलिएट मार्केटिंग भी बेसिकली यही है, बट यहां पर जो है ट्रेडिशनल की तरह काम नहीं करना होता, यहां पे ऑनलाइन काम करना होता है। यानी कि कोई एक ऐसा कंपनी है या एक ऐसी वेबसाइट है या कोई ऐसी कंपनी है जो एफिलिएट मार्केटिंग अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी सर्विसेज की करवाना चाहते हैं, तो वहां से वो आपको एक अकाउंट क्रिएट करवाएंगे और हर उनकी सर्विस या फिर प्रोडक्ट का एक यूनिक URL आपको दिया जाएगा और उस URL के जरिए जब आप उनकी सर्विसेज या फिर उनके प्रोडक्ट्स को जब आप मार्केट करेंगे, दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे, और अगर उस लिंक के जरिए क्लिक होने के बाद वो सर्विस या फिर वो प्रोडक्ट अगर बाय किया जाता है तो उस प्रोडक्ट का जो भी प्राइस रहा है उस प्राइस के ऊपर आपको आपका जो भी कमीशन है वो आपको मिल जाएगा। तो ये है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। तो बेसिकली यहां पे आपको जो है डायरेक्ट किसी को फोन करके या किसी को जो है प्रेशराइज करके सेल नहीं करना है, बस आपको अपने कुछ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करना है और वहीं से जो है आपका रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब फिर सेकंड जो है हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। सो यहां पे जो है एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के वैसे तो बहुत लोग बहुत सारे तरीके बताते हैं, बट एक जो स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी तब आती है जब आपकी एक वेबसाइट बनाकर वहां से जो है आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वेबसाइट इसलिए स्टेबल हो जाती है क्योंकि वेबसाइट के ऊपर अगर आपका कंटेंट जो लिखा गया है वो अगर आपने बहुत ही बेहतर तरीके से जो है लिखा है, तो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर डेफिनेटली मैं आप लोगों को पूरा इन डिटेल बताने वाला हूं, इन डेप्थ बताने वाला हूं कि वो सब चीजें कैसे लिखनी है और कैसे काम करना है। और अभी जो है ये कैमरा हिल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि यहां पर अभी जो है एक पर्सन बैठे हुए हैं यहां पे और वो एफिलिएट मार्केटिंग का ही काम जो है इस वक्त कर रहे हैं। आप लोग को ये माउस की या फिर कीबोर्ड की जो है आवाज आ रही होगी। सो यहां पर जो है यही काम हो रहा है, मैं भी खुद प्रैक्टिकली इन सब चीजों को करता हूं। और इनमें आपको करना क्या होता है, कंटेंट अच्छे से लिखना है। जब वो कंटेंट मार्केट कर जाता है यानी कि सर्च इंजन के अंदर आ जाता है तो फिर आपको वहां से बहुत तरीके से जो है इनकम जनरेट हो जाती है। तो वेबसाइट को चालू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो एक डोमेन रजिस्टर करना होता है। डोमेन कैसे रजिस्टर करना है वो आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा। उसके बाद आपको एक होस्टिंग स्पेस चाहिए होता है। होस्टिंग स्पेस जो है वो कैसे काम आपको लेना है, कहां से बाय करना है और कौन सा ऐसा आपको स्पेस है जो लेना चाहिए, कहां से नहीं लेना चाहिए, तो ये सारी डिटेल जो है मैं आप लोगों को आने वाले वीडियोस के अंदर प्रैक्टिकली दिखाऊंगा और उनके बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि आपको वहीं से क्यों बाय करना चाहिए, राइट। अभी हम बात करते हैं, इसके बाद आपका जो मेन काम होता है दैट इज निश। निश बोला जाता है स्पेसिफिक आपकी कौन सी ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर आप जो है एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं।
एफिलिएट मार्केटिंग करने के वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं कि आप जो है अगर सबको एक ही जगह पे रख देंगे तो हो सकता है कि वो खिचड़ी पक जाए। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक किराना स्टोर आपने ओपन करने की सोची, लेकिन उसी के अंदर कपड़े भी रख लिए, उसी के अंदर आपने जो है बर्तन भी रख लिए, उसी के अंदर जो है आपने दूसरी सर्विसेज भी रख ली, तो फाइनली आप किसी भी कस्टमर को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि एक साथ अगर अलग अलग कोई बर्तन खरीदने आ गया, कोई किराना लेने आ गया, कोई कपड़ा खरीदने आ गया, तो ऐसे में आप उन अलग अलग कैटेगरीज वालों को सर्विस नहीं दे पाएंगे। तो सेम वे यहां पर भी आपको एक स्पेसिफिक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और उसी कैटेगरी के अंदर ही आपको काम करना है, राइट? तो ये हो गया आपका निश सेलेक्शन का प्रोसेस। इसके बाद जो है हमें जरूरत होती है कंटेंट को अच्छे से लिखने की। कंटेंट अच्छे से लिखने के बाद जो है आपको उसको किस तरह से लिखना है, उसका ऑन पेज एसईओ कैसे करना है, उसका ऑफ पेज एसईओ कैसे करना है, यानी कि एसईओ। अब एसईओ है क्या, ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसईओ मतलब जब आप किसी भी चीज को लिख रहे हो तो बेसिकली वो जो आपने कॉन्टेंट लिखा है वो क्या सर्च इंजिन के अकॉर्डिंग परफेक्ट है या नहीं है। अब सर्च इंजन यानी कि गूगल, google.com हो गया, bing.com हो गया, yahoo.com हो गया, तो ये ol.com हो गया, तो ऐसे कई सारे सर्च इंजन है जिनसे हम लोग सर्च करके जो है किसी भी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं। तो उन सर्च इंजन्स के खुद के कुछ रूल रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कंटेंट जो है वो लिखना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमारा जो कंटेंट हम कितनी भी मेहनत कर ले, अगर हम उसकी गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो हम कंटेंट तो लिख रहे हैं लेकिन वो रैंक में नहीं आएगा, यानी कि गूगल के नंबर वन पेज पे नहीं आएगा, और नंबर वन पेज पे नहीं आएगा तो हमें जो है उसका ट्रैफिक नहीं मिलेगा, और ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है जो हमने एक लिंक डाले हैं वहां पे एफिलिएट के, वहां पे क्लिक करके कोई भी बाय नहीं होगा प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट बाय नहीं होगा तो हमें कमीशन नहीं मिलेगी, तो ऑल टुगेदर हम जीरो पे आ जाएंगे, राइट? तो ये हो गया आपका सेकंड चीज। अब थर्ड जो चीज, मेहनत हमने जो भी करनी थी वो कर ली, और थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग। अब मार्केटिंग आपको करनी कैसे, आपने वेबसाइट बना ली, आपने पूरा कंटेंट उसमें स्टफिंग कर लिया, लेकिन अब उसको अगर कितना भी अच्छा प्रोडक्ट आप बना लो लेकिन अगर आप लोगों को बताओगे नहीं कि आपके पास क्या प्रोडक्ट है, आप क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो, तो आपके पास उस प्रोडक्ट की क्या फीचर्स हैं, तो लोग उसको जो है डेफिनेटली नहीं जान पाएंगे। आपको लोगों तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी दैट कि आपकी वेबसाइट के ऊपर आपने कुछ मेहनत करी है और उसके ऊपर में आपने क्या क्या चीजें डाल के रखी हैं, लोगों के बेनिफिट क्या है उसके अंदर, ये चीजें एक्सप्लेन करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अब मार्केटिंग के अंदर जो है दो आपके पैरेलल पोल्स होते हैं, एक होती है पेड मार्केटिंग, एक होती है फ्री मार्केटिंग। तो हम पेड की अभी बाद में बात करेंगे जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे पहुंच जाएंगे, अभी बात करते हैं फ्री वाले की। फ्री में हमारे पास जो है सोशल मीडिया की पावर है, चाहे हम फेसबुक की बात कर लें, ट्विटर की बात करें, इंस्टाग्राम की बात कर लें, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी जो है रेवेन्यू जनरेट करवा सकते हैं। और इसके बाद जो है आपका एक यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाना है। आज की डेट में अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर वाकई सक्सेस होना चाहते हैं तो आपके लिए एक यूट्यूब चैनल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर लोग जो है सर्च कर रहे हैं तो वो सबसे पहले यूट्यूब पे जाते हैं। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है क्यों जाते हैं क्यों नहीं जाते, क्योंकि आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अगर कोई चीज को सर्च करते हैं तो आप जो है आप गूगल पे करते हैं या फिर यूट्यूब को प्रेफर करते हैं, तो बट ऑब्वियस है यूट्यूब के ऊपर हम जो है चीजों को ज्यादा प्रेफरेंस देने लग गए हैं। इसीलिए ये एक यूट्यूब चैनल होना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, एक एफिलिएट मार्केटर के लिए। और उसके साथ जो है बहुत सारे और भी मार्केटिंग के तरीके हैं, जैसे कि ईमेल मार्केटिंग हो गया, राइट, व्हाट्सएप कैंपेन्स वगैरह हो गए, तो ऐसे में हमारे पास जो है बहुत सारे तरीके हैं करने के। ईमेल मार्केटिंग इसलिए मैंने आप लोगों को सिर्फ बताया, उसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज ईमेल मार्केटिंग करने के लिए आपको जो है पेड टूल की रिक्वायरमेंट होती है, और इसके साथ में बहुत सारे और भी पेड टूल्स हैं। जब हम पेड मार्केटिंग की बात करेंगे तब मैं आप लोगों को पेड टूल्स कौन कौन से हैं, चाहे वो ईमेल मार्केटिंग हो या फिर जो है व्हाट्सएप मार्केटिंग हो या फिर जो है हमारे एसईओ से रिलेटेड अगर कोई चीजें हैं, तो उन सब चीजों के लिए हम पेड मार्केटिंग वाले वीडियो के अंदर कवरअप करेंगे। सो गाइज अब बात करते हैं फाइनली
तो ये हमने यहां पे देख लिया कि एफिलेट होता क्या है, एफिलेट कैसे स्टार्ट करना है, और एफिलेट को जो है मार्केट आपको जो है लोगों तक तो कैसे पहुंचाना, ये तीनों चीजें हमने कवर अप कर ली। लेकिन अभी फाइनली बात करते हैं कि भाई हम जो है 2021 की अगर बात कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है हमें एफिलेट मार्केटिंग के अंदर काफी बेनिफिट हो सकता है, हम काफी अच्छा पैसा जो है जनरेट कर सकते हैं या आने वाले फ्यूचर के अंदर जो है पैसा काफी अच्छा कर सकते हैं। अब मुझे आप लोगों को कोई चीज बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक छोटी सी चीज बता दूं, हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने अभी बहुत ही बड़ा इंपैक्ट छोड़ा है और हर किसी की लाइफ पे, चाहे वो बिजनेस है, पर्सनल है, जैसे भी है, राइट। लेकिन इस दौरान अब जो सामने जो चीजें आ रही हैं वो आ रहा है कि ऑनलाइन, तो एवरी कंपनी, चाहे वो छोटी से छोटी है, बड़ी से बड़ी कंपनी है, हर कंपनी चाहती है कि उसके प्रोडक्ट सेल हों, जो उनको लॉस हुआ है वो रिकवर करना चाहते हैं, राइट। और साथ ही साथ जो है ऐसी सिचुएशन दोबारा कभी ना आए मार्केट के अंदर, और दोबारा मार्केट के अंदर ऐसी सिचुएशन कभी आ भी जाती है तो उनके बिजनेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए, उनकी जो सर्विसेज, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर पूरा इस तरह का फ्लो जो चलते आ रहा है वो चलते रहना चाहिए। इसीलिए हर कंपनी जो है एफिलिएट मार्केटिंग के जो लिंक्स हैं वो ऑफर कर रही हैं, और जो है बायर्स भी जो है वो सबसे ज्यादा अभी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के मामले जो है सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक हैबिट बढ़ गई है कि अब थोड़ा सा हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, तो ऐसे में हम लोग हर जो चीज ऑनलाइन बाय करना पसंद करते हैं। तो इसीलिए जो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर जो बूम की बात करें, जो एक पीक लेवल जिसको बोलते हैं, तो पीक लेवल जो आपका जो है 2027 के या 2028-29 के आसपास आने वाला था, लेकिन ड्यू टू दिस कोरोना वायरस अब जो है इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही जल्द देखने को हमें मिलेगा, यानी कि इसका जो पीक टाइम है वो हमें जो है 2023-24-25 के आसपास में देखने को मिलेगा। सो गाइज अभी तो जस्ट इट्स अ बिगनिंग, अभी एफिलिएट मार्केटिंग अभी सिर्फ बिगनिंग हुई है। अब मैं आप लोगों को इस चैनल के ऊपर बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिससे मैं अर्न करता हूं और आप लोग भी अर्न कर सकेंगे, और मैं आप लोगों को ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें करके दिखाऊंगा, मेरे खुद के जो एफिलिएट पैनल्स हैं उनको आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा, उसको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा, सो दैट कि आप लोगों को जो है पूरा 100% विश्वास हो जाए कि जो चीजें मैं दिखा रहा हूं वो कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, वो एक लाइव है और वो प्लेटफॉर्म्स मेरे नहीं है, राइट। तो अगर मेरे पास इनकम आ रही है तो आप लोगों के पास में भी आएगी। सो गाइज इट बहुत ही अभी इंपॉर्टेंट टाइम है आप लोगों के पास, अभी 2021 जो है हमारा स्टार्ट होने वाला, 2021 स्टार्ट होने वाला है, तो एफिलिएट मार्केटिंग अगर पैसिव इनकम आप जनरेट करना चाहते हैं और आप जो है बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं तो जल्दी से एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सोचें, और अगर आपने सोच लिया कि आपको करना है तो जाकर जल्दी से मुझे डिस्क्रिप्शन में बता दे कि यस यू हैव टेकन कमिटमेंट कि यस यू विल डू इट, और जो है आने वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप एफिलिएट मार्केटिंग में कैसे सक्सेस हुआ जाता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, हर वो क्वेश्चन का आंसर करने वाला जो आप लोगों को चाहिए। अब तक इस चैनल के ऊपर जो है बहुत सारे वीडियोस आए गए, फिर बीच में काफी लंबा गैप हुआ, लेकिन आप आज के बाद जो है इस वीडियो के बाद आप लोगों को रेगुलर वीडियोस इसके ऊपर मिलने वाले हैं, और वो सारे वीडियोस जो है आपके इसी नॉलेज को एनहेंस करेंगे। सो गाइस आई होप कि आप लोगों को जो है ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ।